सारे फॉर्मूले मुझे याद थे, सब घर पे याद करके आया था, बट मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथाकॉम, और मैथाकॉम आप लोगों के लिए क्या गया है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एलजेब्रा सेक्शन का चैप्टर है। इसमें तीन चैप्टर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये वाला चैप्टर डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सीबीएसई के जितने भी बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इससे पहले आप लोगों ने इस तरह से नहीं पढ़ा होगा और आज के बाद आप लोग नहीं भूलेंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करें, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नया वीडियो जो अच्छे अच्छे वीडियोज में लेके आ रहा हूँ वो आप लोगों के लिए मिस नहीं हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहले समझने वाली बात है फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन क्या कहलाता है, इसको हम फैक्टोरियल एन बोलते हैं। ये एल साइज एल शेप में एन लिख रखा है और एन के साथ एक्सप्लेनेटरी मार्क है, इसको फैक्टोरियल एन पढ़ा जाता है। और फैक्टोरियल एन का क्या इंपॉर्टेंस है, फैक्टोरियल एन की इंपॉर्टेंस है, फैक्टोरियल एन कहलाता है कि प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर इन कंटिन्यूस मैनर। लगातार एन नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट कहलाता है उसको फैक्टोरियल एन कहते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे फैक्टोरियल एन लिखा है तो उसको कैसे लिखेंगे, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस एन प्लस वन, इस तरह से लिखा जाता है। देखो कैसे लिखे हैं, अगर फैक्टोरियल 5 लिख दिया मैंने तो फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब तक एक नहीं आता है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, और इन सब का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो फैक्टोरियल एन की वैल्यू होती है। जैसे इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे आप लोग तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जब आप सोल्व करोगे इसको, तो 120 कितनी आ जाएगी, 120 ये आ जाएगी इसकी वैल्यू आपके पास जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे। तो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमें लर्न करनी है कि 0 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 1 0 होगा और फैक्टोरियल 0 क्या होगा, 1 होगा, इस तरह हमें इसको लर्न कर लेना है। तो अब हम तीनों की बात कर लेते हैं, परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है और सर्कुलेशन क्या है। तीन तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, परम्यूटेशन बेस्ड बनते हैं, कॉम्बिनेशन बेस्ड बनते हैं और सर्कुलेशन बेस्ड बनते हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें परम्यूटेशन अप्लाई कहाँ करना है, कॉम्बिनेशन अप्लाई कहाँ करना है। हम एग्जाम में कन्फ्यूज वहीं होते हैं कि क्वेश्चन तो आ गया, क्वेश्चन आने के बाद अब मुझे परम्यूटेशन अप्लाई करना है, कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, सर्कुलेशन वाला करना है, क्या करना है यार, सारे फॉर्मूले मुझे याद थे, सब घर पे याद करके आया था बट मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ये बता देता हूँ कि परम्यूटेशन कहाँ अप्लाई होगा। परम्यूटेशन जैसे डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और लेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम से, वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो वहाँ पे परम्यूटेशन अप्लाई करना है। परम्यूटेशन को इस तरह समझो कि जैसे दो आदमी खड़े हैं, दो पर्सन खड़े हैं, उन दोनों पर्सन को हम फेस के अकॉर्डिंग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पे दो खड़े हुए हैं, क्या बॉल्स पड़ी हुई है, दो बॉल्स सेम पड़ी हुई है, तो उनको फेस के अकॉर्डिंग सेपरेट नहीं किया जाएगा। जो फिजिकली सेपरेबल चीज होती है, थिंग्स होती है, जहाँ पे पोजीशन मैटर करता है। अगर मैं चार लोगों को चेयर पे बिठा रहा हूँ तो पहले नंबर पे अमित बैठ रहा है, दूसरे नंबर पर संजय बैठ रहा है, तीसरे नंबर रमेश बैठ रहा है, तो ऐसे ही बैठेगा। तो उनकी पोजीशन वेरी करूंगा तो वैल्यू भी चेंजेस होगी। बट अगर चार चेयर से मुझे मंकी बिठाने हैं तो चारों पे कोई सा भी कहीं पे मंकी में बिठा सकता हूँ, उनको फेस के अकॉर्डिंग मैं मंकीज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, तो वहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। और जहाँ पे मैं पर्सन बिठा रहा हूँ, जहाँ पोजिशन के अकॉर्डिंग या फेस के अकॉर्डिंग उनको फिजिकली सेपरेबल किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, वहाँ परम्यूटेशन लगेगा। जैसे डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे अलग अलग है, तो उस केस में वहाँ पे क्या लगेगा, परम्यूटेशन लगेगा। नंबर्स, लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच सब अलग अलग है, इसमें परम्यूटेशन लगेगा। वर्ड्स कृष्णा है, इसके अलावा मिनिमम है, बनाना है, जोधपुर है, उदयपुर है, इन सब में क्या लगेगा, हमारा परम्यूटेशन लगेगा। तो डिजिट, नंबर, लेटर, वर्ड्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी आज के बाद वहाँ आप लोगों को क्या अप्लाई करना है, परम्यूटेशन अप्लाई करना है। और कॉम्बिनेशन कहाँ अप्लाई करोगे आप लोग, जहाँ पे कॉमन नाउन है। कॉम्बिनेशन कॉमन नाउन, परम्यूटेशन इंडिविजुअल नाउन, कॉम्बिनेशन कॉमन नाउन। बॉल है, फ्लैग है, साड़ी है, टीम है, कमेटी बनानी है, जहाँ पे हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं वहाँ कॉम्बिनेशन है। सी फॉर कॉम्बिनेशन, सी फॉर कलेक्शन। परम्यूटेशन जहाँ पे फिजिकली सेपरेबल थिंग्स है वहाँ परम्यूटेशन अप्लाई करना है। अब इनमें फॉर्मूले जो बनते हैं, सबसे पहले हम परम्यूटेशन का देखेंगे, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन का देखेंगे। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अगर डिफरेंस समझ में आ गया है तो मैं चाहता हूँ कि अब आप लाइक कर दो और कमेंट में मेरे को बताओ कि आप लोगों को क्या समझ में आया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो परम्यूटेशन में आप लोग देखो कि परम्यूटेशन में पहला फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है एन एरो आर, मतलब
एन नंबर से या एन लेटर से उसमें से आर लेटर्स को कंबाइन करके मुझे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट्स बनाने हैं। एन में से आर को सेलेक्ट करना है हमें, क्या सेलेक्ट करना है, एन में से आर को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला बनता है एन पी आर, क्या बनेगा एन पी आर। एन पी आर को लिखेंगे कैसे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये हमें लर्न करना है। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन को ओपन करना आपको आता है और फैक्टोरियल एन माइनस आर को ओपन करना, एन में से आर घटा के उसको भी इसी तरह ओपन करना है। तो देखो जैसे कृष्णा लिख रखा है, कृष्णा एक एग्जाम्पल दिया उसने, के आर आई एस एच एन ए, इसमें 7 लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वो कहता है कि इसमें से कोई भी 2 लेटर सेलेक्ट करने के कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में एक क्लिक करना चाहिए कि कृष्णा है मतलब परम्यूटेशन अप्लाई होगा, कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं होगा। तो परम्यूटेशन अप्लाई होगा तो एनपीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब क्या है, हमें क्या करना है, एन में से आर सेलेक्ट करने हैं। तो एन कितने हैं, 7 है, 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7p2, क्या हो जाएगा, 7p2। 7p2 को आप लोग सोल्व करोगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 2। तो कितना जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। उसको सोल्व करके मुझे लास्ट में आंसर बताना, मैं लास्ट में आप लोगों के आंसर करेक्ट रहूंगा, मैं भी चेक करूंगा। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 आप लोग सोल्व करें और लास्ट में अपन इस पर डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, एन में से आर सेलेक्ट करना सीख गए। अब वो क्या कह रहा है कि एन में से एन सेलेक्ट करो, कृष्णा है, कृष्णा में से मुझे सारे सेलेक्ट करके बताओ आप लोग के कितने बनेंगे कॉम्बिनेशंस, तो परम्यूटेशंस कितने बनेंगे, कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। एन में से एन सेलेक्ट करना मतलब कृष्णा में सारे सेलेक्ट करने हैं, तो 7ों में से 7 सेलेक्ट करने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7। 7 को ओपन कर दो, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक मल्टीप्लीकाई कर दो और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आराम से देखो, तसल्ली से देखो, परम्यूटेशन कहाँ अप्लाई करना है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है वो देख लो। फिर उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन जब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ लोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, फिर भी देख लो। अगर मुझे क्या दे रखा है, परम्यूटेशन गिवन है, परम्यूटेशन गिवन है, उसमें मैं अगर आर से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, कॉम्बिनेशन फाइंड हो जाता है। परम्यूटेशन गिवन है, उसमें आर से फैक्टोरियल आर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाता है, कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एन में से आर तो मुझे सेलेक्ट करना है बट एन वन और एन टू क्या है, कॉमन है उसमें। कैसे, देखो मिनिमम है एम आई एन आई एम यू एम, 7 लेटर्स है, इसमें से मुझे क्या करना है, 7 में से 7 को सेलेक्ट करना है, सभी को सेलेक्ट करना है, ये मान लिया ने 7 में से सभी को सेलेक्ट करना है। तो उस केस में मेरे को क्या करूंगा, फैक्टोरियल 7 हो जाता है सिंपल। बट इसमें क्या दे रखा है, आई और आई 2 बार आ रहे हैं, एम और एम एम 3 बार आ रहे हैं, तो जो कॉमन होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, डिवाइड में आ जाते हैं। कि याद रखना है कि कोई ऐसा वर्ड दे रखा है जिसमें कुछ लेटर्स कॉमन है तो वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। एम 3 बार कॉमन तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे, एंड आई 2 बार कॉमन है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो परम्यूटेशन समझ में आ गया होगा, सब्सक्रिप्शन और लाइक बनता है और बेल आइकन प्रेस करना भी बनता है। फिर उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मैंने बताया कॉमन नाउन में अप्लाई होगा, टीम बनानी है, कमिटी बनानी है, उस केस में कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। अगर आप लोग चले जाते हैं कहीं टीम इंडिया के सिलेक्शन में और आपको टीम बनानी है तो कॉम्बिनेशन से बनाना भाई, ध्यान रखना। अब चले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि एन में से आर सेलेक्ट करने हैं जैसे परम्यूटेशन में था। अब मुझे क्या दे रखा है, एन साड़ीज दे रखी है, उसमें से आर साड़ीज सेलेक्ट करनी है, तो क्या लगेगा, एन सी आर लगेगा। ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि कॉमन नाउन आ रहा है तो एन सी आर लगाना है। एन सी आर में फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, फॉर्मूला तो याद करना ही है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, वो तो परम्यूटेशन का था और एक और क्या आ गया, एक्स्ट्रा फैक्टोरियल आर आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब राम गया मंदिर में, मंदिर में उसके पास 10 गेंदे के फूल है, अब 4 फूल चढ़ाने हैं, तो 4 फूल को चढ़ाने के कितने तरीके होंगे ये मुझे आप सोल्व करके कमेंट सेक्शन बताओगे और लास्ट में हम उस पर डिस्कस करेंगे। 10 फूल है उसके हाथ में, 10 में से 4 चढ़ाने, क्या लगेगा, परम्यूटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, मुझे बताना। फिर उसके बाद क्या है कि अब उसके बाद 10 फूल है, 200 चढ़ा देने हैं, तो 200 चढ़ाने का तो एक ही तरीका होगा, 200 को वो चढ़ा देगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा हमारे पास, कॉम्बिनेशन अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2016 का, जो पहला क्वेश्चन था वो यही वाला था। अब उसमें क्या कर रखा है, 2 परम्यूटे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई अगर गिवन है क्वेश्चन में, तो एक्स प्लस वाई ऑलवेज एन के इक्वल होगा, ये हमें डायरेक्ट याद कर देना है। एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई गिवन है, तो एक्स प्लस वाई डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा। कैसे, एन सी 12 और हम बात कर लेते हैं एन सी 8, एन सी 12 और एन सी 8 गिवन है तो हमें एन निकालना है। तो उस केस में एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई 12 और 8 जोड़ देंगे तो एन कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है।
फिर उसके बाद क्या है, एन सी आर एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है, कैसे समझोगे इसको, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है टेन सी थ्री तो वो क्या हो जाएगा, टेन सी से टेन माइनस थ्री मतलब टेन सी सेवन के इक्वल हो जाएगा, ज्यादा काम नहीं आता है उसे। फिर बात करते हैं हम, अगर मुझे टीम बनानी है क्रिकेट के सिलेक्शन कमेटी में, मैं चला गया या आप चले गए या रोहित चला गया, तो उस केस में अगर मुझे टीम बनानी है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे एन में से आर प्लेयर सेलेक्ट करने हैं और सचिन तो ऑलवेज सेलेक्ट होगा ही होगा, सचिन तो ऑलवेज सेलेक्ट होगा ही होगा, तो उस केस में टीम कैसे बनेगी, पी अगर ऑलवेज सेलेक्ट हो रहा है तो वो एन में से भी कम पड़ गया और आर में भी उसे सेलेक्ट नहीं करना है, तो एन माइनस पी आर माइनस पी हो जाएगा। देखो सुनो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अपने तो कम काम आएगा लेकिन उन लोगों को ज्यादा काम आएगा जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे एन में से आर सेलेक्ट करने हैं और पी हमेशा सेलेक्ट होगा, तो 15 लोग थे, सचिन हमेशा टीम में आएगा, तो अब मेरे पास कितने लोग बच गए, 14 लोग बच गए, 14 में से कितने सेलेक्ट करना रहे, 10 ही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, तो दोनों में से सचिन गायब हो जाएगा, तो इस तरह करना है इसको। फिर अभी क्या कह रहा है कि वो है आशीष नेहरा, कभी सेलेक्ट नहीं करना है हमें टीम में, तो आशीष नेहरा को अगर सेलेक्ट नहीं करना है तो क्या हो जाएगा, 14 लोग बने, 14 में से 11 सेलेक्ट करने, तो एन में से वो माइनस हो जाएगा। ये तो बात रही कॉम्बिनेशन की। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें बनता है सर्कुलेशन पे, सर्कुलेशन पे जैसे क्या है कि हमें माला बनानी है गेंदे के फूल से, तो उस केस में माला बनाने के तरीके इतने 10 फूल पड़े हैं, कितने तरीके से माला बन सकती है, तो वो होगा फैक्टोरियल 10 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल 9। तो जब भी सर्कुलेशन का क्वेश्चन आएगा तो अगर माला बनानी है मुझे गेंदे के फूल से, ऐसी चीजें हैं जिनको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो फैक्टोरियल एन माइनस वन कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब टेबल के चारों ओर मुझे मेंस बिठाने हैं, तो आदमियों को मैं फेस से कैसे कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ, तो उस केस में क्या आएगा, फैक्टोरियल एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, फैक्टोरियल एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। 10 आदमियों को बिठाना है गोल टेबल पे तो फैक्टोरियल 9 अपॉन 2 आंसर आएगा, और 10 गेंदे के फूल से माला बनानी है तो फैक्टोरियल 9 आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले देख लिए, और मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद कोई क्वेश्चन बनेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए कि वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके इसका। अब मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था कृष्णा, कृष्णा में क्या था कि यहाँ बन रहा था फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो 7 को ओपन करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे का बनेगा फैक्टोरियल 5। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे ये लिखा हुआ है कि यहाँ हम ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ रहा है फैक्टोरियल 7, नीचे क्या आ रहा है फैक्टोरियल 5, तो इसको कहाँ ओपन करना है, 7, 6 और फैक्टोरियल 5 पे ब्रेक कर देना, नीचे जो बड़ी वैल्यू है आप ब्रेक कर देना फैक्टोरियल 5 से, फैक्टोरियल 5 कर जाएगा, 7 टू 6 42 इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर कितना है, 42 है। इसके अलावा एक यहाँ पे हमने छोड़ दिया था 10 में से 4 फूल उसको यूज कर रहे हैं, 10 में से 4 फूल यूज करने हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6, और यहाँ पे क्या जाएगा फैक्टोरियल 4। तो इसको ओपन करोगे फैक्टोरियल 10 को, तो कैसे ओपन करोगे, 10 9 8 और 7 और 6 इस तरह से ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद 6 तक छोड़ दोगे, 6 से 6 कट जाएगा, 4 को ओपन करोगे, 4 3 2 1, 4 3 2 1 को सोल्व करना, सोल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना है ना। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया है, बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से करना, आराम से करना, और आप लोग ने मेरे चैनल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और आगे अच्छा करिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। आप लोगों का धन्यवाद, जय हिंद।